स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट पर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण और पदस्थापन नीति की घोषणा कर दी है। कल प्रेस रिलीज के माध्यम से पूरी बातों को क्लियर किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उसके अलावा ACS महोदय ने भी अलग अलग टीवी चैनलों को इंटरव्यू के माध्यम से इसकी बारीकियों को बताया, इसके प्रक्रिया को बताया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बातों को और उन सभी बिंदुओं को जानेंगे जो आपके मन में है और वो प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा कि कब और क्या क्यों कैसे होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अधिमानता के आधार है, यानी ऑर्डर और प्रेफरेंसेस क्या है, आवेदन कैसे होगा, आवेदन कब से होगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से, योगदान कब होगा, रैंडमाइजेशन होगा या कैसे होगा, आवेदन कहां से होगा, वरीयता कैसे होगा, शिक्षक अनुपात क्या होगा, नियोजित का क्या होगा। क्योंकि ध्यान रखें, जितने भी सक्षमता परीक्षा देकर पास हो चुके हैं अब उनको नियोजित नहीं माना जा रहा है, या ऐच्छिक ट्रांसफर होगा या रेंडमाइजेशन होगा, दोनों बात एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग चीजों से डिफाइन करेंगे और अन्य प्रमुख बिंदु क्या होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कि वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे जरूर कहूंगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो के आपको कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, और आपका लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मेरा पारिश्रमिक है। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए सारी बिंदुओं को अलग अलग जगह से छांट के लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए पारिश्रमिक देना तो बनता है। तो पहला, सबसे पहला आपको जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको अधिमानता का ये आधार। ये अधिमानता का आधार क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप धैर्य बना के रखिएगा, ये वीडियो में सारी बिंदुओं को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए पहले देखते हैं कि अधिमानता का आधार आखिर है क्या, और इमानता के आधार में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस कहा क्या जाता है। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस आखिर है क्या। ये है आपका संकल्प जो जारी कर दिया गया है आपको विभाग के द्वारा। आइए देखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को समझते हैं कि क्या है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को देखा जाए तो ये आपको स्थानांतरण नीति के बारे में ऊपर बताई गई है, ये स्थानांतरण नीति, और ये जो आपका खंडिका एक है यही है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। और इसमें क्या चीज ध्यान दिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या ध्यान दिया जा रहा है, कैसे काम करेगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में आपको माना जा रहा है असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता। उसके अलावा अगर देखा जाए, आगे चलते हैं तो आगे चल के देखते हैं तो आपका हो जाएगा दिव्यांगता, उसके बाद मानसिक दिव्यांगता, उसके बाद आता है विधवा या डाइवोर्स अगर कोई टीचर्स हैं महिला, उसके अलावा है आपका महिला शिक्षिका, उसके बाद है शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, और सबसे अंत में आपको आठवां है पुरुष शिक्षक। पुरुष शिक्षक यानी आठ जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज आपको जो बन रहे हैं, वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज आपको बन रहे हैं आठ, इसी आठ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज के आधार पर होंगे, यानी यही क्रम बनेगा, ध्यान रखने की जरूरत है। और इस क्रम में भी आगे कुछ अगर मगर है उसको देखेंगे वरीयता का निर्धारण। पर थोड़ा सा इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे काम करेगा सब। अब देखिए, एक से लेकर चार तक जो पॉइंट है, वो एक से लेकर चार तक के पॉइंट में गंभीर बीमारी वाली स्थिति है। पहले ये जान लीजिए जो गंभीर रुग्णता की कंडीशन में वो कहां आवेदन कर सकते हैं। अब वो आवेदन कर सकते हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कहां नहीं कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं, स्वयं का जो उनका होम पंचायत होगा, ध्यान रखने की जरूरत है, होम पंचायत या नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन, यानी ध्यान रखिएगा जहां आपका घर है उस पंचायत में, और जहां आप पदस्थापित हैं उस पंचायत और नगर निकाय में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में कर सकते हैं, जिला में भी तक भी कर सकते हैं, यहाँ आपको कहा गया है। और किसके लिए कहा गया, असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता के लिए, ये दोनों के लिए बात है। आइए देखते हैं आगे अगला वाले में क्या स्थिति बनती है, अगले वाले में देखते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान, उसके बाद स्थिति बनती है दिव्यांगता की, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, बस क्लियर हो जाएगा। दिव्यांगता के आधार पर ये कहां नहीं कह सकते हैं, यहां भी वही स्थिति है, आपको स्वयं के या पति पत्नी है उसके घर के पंचायत और नगर, पंचायत ही है प्रखंड नहीं है, उसके अलावा जहां पदस्थापित हैं उस पंचायत और नगर निकाय में नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी कर सकते हैं, प्रखंड, किसी भी प्रखंड, किसी भी जिला, किसी भी अनुमंडल में, हाँ बस जिस जहां है
उस पंचायत में निवास स्थान है और या जो हम प्रशासन है उस पंचायत और नगर निकाय में नहीं कर सकते हैं। किसमें है स्थिति? ये दिव्यांगता और बीमारी में। उसके बाद एक और ऑटिज्म है, ये भी एक तरह का मानसिक दिव्यांगता है। इसमें भी यही कंडीशन लागू होती है कि वो अपने गृह वाले में नहीं कर सकते हैं, पदस्थापन पंचायत में नहीं कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं, लगे हाथ, उसके बाद और बिंदुओं पर सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद है देखिए, विधवा और परित्यक्त अगर कोई शिक्षिका है उसकी कंडीशन में क्या होगा, वो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ। और यहां भी कंडीशन वही बनती है जो ऊपर बताई गई है कि स्वयं के गृह पंचायत और पदस्थापन के पंचायत। यहाँ चूंकि आपको देखा जाए विधवा और परित्यक्त है तो यहाँ पति पत्नी की स्थिति बनेगी नहीं। अगर आपको महिला की बात भी यही किया जा रहा है, दोनों की स्थिति में यही है, सभी विधवा परित्यक्त के लिए है। आप कहीं भी कर सकते हैं छोड़कर अपने होम, आपको पंचायत को, नगर निकाय को छोड़कर, पति के गृह पंचायत और नगर निकाय को छोड़कर, और पदस्थापन के जो पंचायत होगा, पति पर ध्यान रखने की जरूरत है। वो आपको रोल में हो या नहीं हो, यूं यानी आपको नौकरी में हो या नहीं हो, ध्यान पति का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। अब यहाँ क्या स्थिति बनती है, यहाँ भी आपको वही स्थिति बनती है, स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय और पति के गृह पंचायत नगर निकाय पंचायत और पति के वर्तमान ये पदस्थापन, यहाँ देखने की जरूरत है पति का वर्तमान पदस्थापन। हम कहाँ बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई शिक्षिका है वो अपने पति के पदस्थापन के अनुसार अपना करना चाह रही है, तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके उनके खुद के गृह पंचायत, उसके बाद पदस्थापन का गृह पंचायत और नगर निकाय, उसके अलावा पति के गृह पंचायत नगर निकाय और स्वयं के पति के वर्तमान पदस्थापन, जहां उनके पति जिस पंचायत और नगर निकाय में है वहां नहीं होगा। अगर नौकरी में नहीं है तो उनके गृह पंचायत उसमें भी नहीं होगा। उसके अलावा स्वयं जिस पंचायत में भी है आपका निवास है वहां नहीं होगा, और जिस पंचायत में भी पदस्थापित है वहां नहीं होगा। उसके बाद आती है स्थिति पुरुष शिक्षकों की, यहाँ क्या होगा, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, जिस जिला का जो इन्होंने विकल्प इन्होंने दिया होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो पहले भी उन लोगों को जिला अलॉट हो गया है, इसके अलावा भी अगर ये चाहें तो अपना जिला बदल सकते हैं। क्लियर है, जिला आपको चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जिला बदल दिया गया, अरे साहब यहाँ तो सारा जिला खोल दिया गया, यहाँ तो सारा जिला खोल दिया गया, और उनको ऑप्शन तो पहला मिलेगा ही मिलेगा ही। अब यहाँ है गृह अनुमंडल, तो गृह अनुमंडल की स्थिति में, पुरुषों की स्थिति में, गृह अनुमंडल की स्थिति में पहले से मान्यता है कि जो पदस्थापन का जो अनुमंडल है वो गृह माना जाता है, तो यहाँ इसको छोड़कर आप कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि गृह अनुमंडल उसे ही माना जाता है जहाँ पदस्थापित है। तो ये है इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस के की कुछ मूल बातें। आइए चलते हैं स्लाइड पे और वहां देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। अब है आवेदन कैसे होगा। आवेदन आवेदन आपका ऑनलाइन होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। दो तरीके से ऑनलाइन हो सकता है, होता है ऑनलाइन, दो तरीके बोल रहा हूँ, आवेदन दो तरीके से होता है, एक ऑनलाइन होता है और एक आपका ऑफलाइन होता है। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो ऑनलाइन की स्थिति बनेगी, आवेदन आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, और बाद में बात करूंगा कि कहां से लिया जाएगा। आवेदन कब से होगा, सबसे बड़ी बात, आवेदन कब से होगा। तो आवेदन जो ACS ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आवेदन जो है आपको अक्टूबर में लिया जाएगा, इसी महीने आपका आवेदन इसी महीने लिया जाएगा, अक्टूबर से ही लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा, मैं आपसे आगे बात करता हूं। उसके बाद स्थिति बनती है आवेदन कब से होगा, इस पे बात हमने कर लिया। पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से होगी, तो पोस्टिंग की जो प्रक्रिया होगी ये आपको नवंबर से होगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया आपको नवंबर से होगा। अक्टूबर में अप्लाई होगा, नवंबर में पोस्टिंग की प्रक्रिया, उनकी सारी की सारी सिंक्रोनाइजेशन है, जो भी चीजें हैं वो है, और इस पे कोई किसी की आपत्ति होती है, इन सबका निराकरण करते हुए पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो नवंबर में चलेगी। उसके बाद आता है योगदान, योगदान का होगा। ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ACS और शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि योगदान जो है आपका दिसंबर में करा दिया जाएगा, किसी भी सूरत में। उन्होंने कहा है कि चूंकि छुट्टियों का समय होता है तो दिसंबर में करा देगा दिया जाएगा। अक्टूबर में आवेदन होगा, आपको पोस्टिंग की प्रक्रिया, चूंकि पोस्टिंग भी होनी है, बहुत सारे जो सक्षमता पास टीचर्स हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है, उनकी पोस्टिंग की भी प्रक्रिया चलनी है, तो ये नवंबर में हो जाएगा। और दिसंबर में आपको, दिसंबर में आपको नए विद्यालय में योगदान कर लेना होगा। उसके बाद बात आता है आगे है छठा पॉइंट, छठा पॉइंट में है क्या, रेंडमाइजेशन। क्या रेंडमाइजेशन होगा, नहीं रेंडमाइजेशन नहीं होगा, चूंकि जब ऑनलाइन प्रक्रिया से जा रहा है, रेंडमाइजेशन होने की बात
नहीं है, क्योंकि 10 10 आपसे ऑप्शन लिए जा रहे हैं। हर किसी से जब 10 ऑप्शन लिए जा रहे हैं और ऐच्छिक है वो, जब 10 ऑप्शन ही आपसे विकल्प ही लिए लिए जा रहे हैं, विकल्प की स्थिति जब बन रही है, तो रेंडमाइजेशन की बात नहीं हुई, तो रेंडमाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आपको है हमारे सामने है आवेदन कहां से हो, यह एक बड़ी बात है। तो आवेदन कहां से होगा इस पे ही बात करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, पहले एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हमने रेंडमाइजेशन पे बात कर ली, अब आवेदन पे बात करते हैं कि आवेदन कहां से होगा, इस चीज को देख लेते हैं। अब देखिए, आवेदन कहां से होगा इस पे चर्चा कर लेते हैं, और आवेदन पे कहां से होगा इस पे चर्चा करने से पहले हम प्रेस विज्ञप्ति के उस मूल चीजों को देखते हैं। यहाँ क्लियर कहा गया है कि आवेदन के बारे में अगर अंतिम पैरा को देखें तो यहाँ लिखा गया है, सभी स्थानांतरण के आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व से जमा किए गए हैं उन्हें भी आप ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कहने की बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन तो होगा ही, और माध्यम क्या होगा, ई शिक्षा कोष के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्लियर है ये बात, हम क्लियर हो गया। आइए चलते हैं स्लाइड पे, स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। सातवां बिंदु हमारा है और वरीयता के निर्धारण को हम लोग जान लेते हैं, और बहुत बड़ी बात, सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है वरीयता के निर्धारण में। अब वरीयता के निर्धारण में हमको देखना होगा आपको कंडिका 2 के 9वें और 12वें को, यहां क्लियर कर दिया है। कंडिका 2 और के हमको 9वें और 12वें को देखते हैं। आइए कंडिका 2 हमारे सामने है, देखिए कंडिका 2 है हमारे सामने, इसके पॉइंट्स नंबर हम 9 को देखते हैं। अब देखिए यहां कहा, क्लियर कहा गया है, इस चीज को देखने की जरूरत है। ये 9वां है, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम कंडिका 1 के ऑर्डर प्रेफरेंसेज, जो सबसे पहले ऑर्डर प्रेफरेंसेज मैंने 8 बताए हैं, वो चीज ध्यान रखा जाएगा, क्यों, ध्यान रखते हुए वर्तमान नियुक्त नियमित शिक्षक, पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण, ध्यान रखिएगा उत्तीर्ण शिक्षक, उसके बाद TRI द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यहां क्लियर हो गया कि जो पहले कही जा रही थी कि TRE से बहाल शिक्षक सक्षमता पास से बरी होंगे, ये सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। यहां आपको सबसे पहले प्रेफरेंसेस, आपको नियमित शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण को अवसर दिए जाएंगे, उसके बाद TRE वालों को अवसर दिया जाएंगे। क्लियर है गया? यहां पूरा का पूरा जो वरीयता का क्रम है इसको इसी से डिजाइन किया गया है और इसी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा हम एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ 12वां पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, आइए 12वां पॉइंट देखते हैं, 12वां पॉइंट में जानते हैं क्या है। 12वां पॉइंट में क्लियर किया गया है कि यहाँ क को देखा जाए, आपको कम है, जो लोग विकल्प करेगा वो ठीक है, जो लोग विकल्प नहीं करेगा उसको कोई जरूरत नहीं है, उनको ट्रांसफर नहीं होगा, किसके लिए, नियमित और BPSC TRE। को देखा जाए, यहाँ कहा गया है कि प्रथम चरण के स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और BPSC शिक्षक के राज्य स्तरीय जो वरीयता उनको प्राप्त होती है, यानी जो मार्क्स उनको प्राप्त होंगे उनके अनुसार उनकी आपसी वरीयता तय होगी। ये आपसी वरीयता की बात हो रही है कि जितना पहले कहा जा रहा था कि मार्क्स के आधार पर नहीं होगा, जी नहीं, मार्क्स के आधार पर ही होगा। आप अगर कहीं जाएंगे तो 4 सक्षमता वाले वहां अगर अप्लाई किए होंगे किसी एक जगह, तो जिसको सबसे ज्यादा उस कोटी में मार्क्स होगा वही वहां बरीय होगा। उसके बाद अगर TRE वाले वहां पहुंचते हैं तो TRE वाले को आपसी वरीयता उनके राजस्तरीय वरीयता के आधार पर होगा। सबसे पहले तो सक्षमता वालों को ले लिया जाएगा, तो TRE वालों की बात ही नहीं बनती है। लेकिन मान लीजिए कोई सीधा TRE वाले ही 4 अप्लाई कर दिए, तो 4 लोगों में जो आपसी वरीयता बनाई जाएगी वो राजस्तरीय वरीयता के आधार पर बनाई जाएगी। क्लियर है? अब चलते हैं हम स्लाइड्स पे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। हमने वरीयता को देख लिया, अब शिक्षक अनुपात क्या होगा, ये शिक्षक अनुपात इस पे हम देख लेते हैं क्या कैसे काम कर रही है। इस पत्र के आपको नियम में हम पहुंचते हैं और इस शिक्षक के अनुपात को हम देखते हैं। अब शिक्षक के अनुपात में अगर हम देखें तो चलते हैं 9वें आपको पॉइंट, यानी नियमावली कंडिका 2 के दूसरे में देखते हैं। नियमावली कंडिका 2 के दूसरे में हम क्या कह रहा है, यहां देखिए, यहां कह रहा है कि शिक्षक अनुपात जो होगा विद्यालय में, इसको निर्धारित किया गया इसके अनुसार क्या है, उस वहां पहले नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय, सक्षमता उत्तीर्ण और BPSC। कहा गया है कि 10% जो विद्यालय में शिक्षक रहेंगे वो आपको नियमित रहेंगे, 30% नियोजित रहेंगे, 30% आपको विशिष्ट शिक्षक होंगे सक्षमता पास, और 30% आपको TRE वाले शिक्षक रहेंगे। इस तरीके से शिक्षक अनुपात वहां डिजाइन किया गया है। उसके अलावा 8वां पॉइंट में भी कहा गया है कि दिव्यांगता की स्थिति में बनती है कि जहां वहां दिव्यांगता की अगर स्थिति बनती है तो कहीं अगर 5 यूनिट्स हैं वहां 1 यूनिट जोड़ा जा सकता है एक्स्ट्रा। उसके अलावा कहीं अगर 10 इकाई
की है वहां दो जोड़ा जा सकता है, अगर जहां तीन इकाई है वहां आपको दो जोड़ा जा सकता है, और जहां 10 से अधिक है वहां तीन इकाई जोड़ा जा सकता है। किसके लिए? ये 1 से 4 वाले, यानी जितने बीमार लोग हैं वहां एक एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है। वहां ये आपको वर्क नहीं करेगा, दिव्यांगता की स्थिति में ये वाला वर्क करेगा, वहां एक्स्ट्रा रखा जा सकता है दिव्यांगता को। समझिए कि वहां एक यूनिट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन यूनिट मेन वहां होगा क्या कि 10%, 30%, 30%, 30% ही आपका वहां काम करेगा। तो ये है आपको शिक्षक अनुपात वाली स्थिति। आइए देखते हैं, स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नियोजित का क्या होगा। जी, नियोजित शिक्षक जैसे है वैसे रहेगा, क्योंकि ये स्थानांतरण नीति जो है आपको बनाई जो गई है, यह आपको सक्षमता पास, टीआरई और नियमित के लिए बनाएगी। क्या ऐच्छिक ट्रांसफर होगा? ऐच्छिक ट्रांसफर होगा तभी तो आपको 10 विकल्प लिए जा रहे हैं, और ऑनलाइन जब विकल्प की बात ही आ जाती है तो ऐच्छिक अपने आप हो जाता है, यानी रेंडमाइजेशन भी नहीं होगा। अब आते हैं हम अन्य प्रमुख बातों पे। कौन कौन से ऐसे प्रमुख बातें हैं जो इस आपको नियमावली में आई है और इसमें वो आपको इंक्लूड नहीं होगा, आइए देख लेते हैं उन सारी की सारी बातों को। अब देखिए इसमें कुछ और बिंदु हैं, हम नियम पे चलते हैं, नियमावली पे आपको देखते हैं कि चौथा नंबर पॉइंट यहाँ दूसरा, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो दूसरा वाला ही हमारे लिए प्रमुख है। दूसरा वाला क्या है? स्थानांतरण आपको और पदस्थापन के समान सिद्धांत, और सारे सिद्धांत पे हमने बात कर लिया। आप देख लेते हैं चौथे और पांचवे पे थोड़ा ध्यान देख लेते हैं। चौथा और पांचवा क्या है? चौथा पांचवा है आपका, चौथे में क्या है? किसी विद्यालय में 70% से अधिक महिला को नहीं रखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई माना जा रहा है, एक इकाई वो अपने आप में वो इकाई है, वो अनुमंडल में उसकी गणना नहीं की जाएगी, वो अपने आप में वो इकाई है, नगर निकाय अपने आप में एक इकाई है। उसके अलावा सेवा काल छठा में भी है, सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पे स्थानांतरण अनिवार्य होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये जो भी आपका स्थानांतरण होगा ये 5 वर्ष के लिए होगा, अगले 5 वर्ष में फिर से आपका स्थानांतरण होगा। उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो सातवें पॉइंट्स में देखते हैं कि देखिए 1 से 4 में वर्णित जो है शिक्षकों का उनके अभिवादन पर, अगर 5 वर्ष से पहले, अगर 1 से 4 में अगर बीमार वाले लोग हैं उनका 5 वर्ष से पहले स्थानांतरण के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनपे विचार किया जाएगा। आठवें पे हमने चर्चा कर ली कि दिव्यांगता के स्थिति में, यानी बीमार वाले लोगों की स्थिति में भी वहां कंडिका आपको 4 में 4 में पूरी की पूरी बीमार वाली स्थिति को लोगों को रखा गया है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि 4 वाली स्थिति 1 क्या रही है, जिसमें आपको 5 वाले पे 1 जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ 4 में ये आपको यहां तक ऑटिज्म बीमारी वाले, पूरी स्थिति दिव्यांगता बीमार वाले वो लोग आते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक तो पहुंचाई, यही प्रमुख बातें जो थी आपको इस पूरी की पूरी वीडियो का सार है। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आपको सारी बातें क्लियर आप तक पहुंचाई जाए और हर चीज आपके ध्यान में रखा जाए। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक उस सभी बिंदु पहुंचे और आप तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।